गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, अब तक हम लेसन नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम करेंगे चैप्टर एंड क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति शब्द का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, आपको उनको पूरा करना है। पूर्ति मतलब पूरा करिए। फर्स्ट, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से सोचिए कौन सा रोग होता है। और हिंट के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी बोन्स हैं वो बो शेप्ड हो जाती हैं, धनुष के आकार की हो जाती है। सोचिए, बताइए। गुड, रिकेट्स लिखिए। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग हुआ? रिकेट्स। तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई? रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। सेकेंड, डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और हिंट है आपका बेरी बेरी। गुड, विटामिन बी वन, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। विटामिन सी, स से स्कर्वी। तो विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखना या कम दिखना, यानी ये आई का प्रॉब्लम है। तो आई का डिफेक्ट कौन सा था? कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से हमें आईज की प्रॉब्लम होती है? सोचिए, विटामिन ए। यहां लिखेंगे हम विटामिन ए। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारे चैप्टर एंड क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, मैंने आपको मास्क मेकिंग एक्टिविटी दी थी वीकेंड पे कंप्लीट करने के लिए, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर सिंसियर एंड एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी, जो आपके हर तरह के असेसमेंट में, स्पेसिफिकली सक्षम असेसमेंट में काम आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।